हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रजनी 007 मैथ्स ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड, आज का बजट ट्रिक्स नंबर 392, चलिए देखते क्या है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का पजल है, कैन यू सॉल्व दिस लॉजिकल मैट्रिक्स पजल। तो फ्रेंड, नंबर को बहुत ही ध्यान से देखिए और लास्ट रो का क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमें पता करना है। तो वीडियो को पॉज करके एक ट्राई जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। हो फ्रेंड, अब तक आपने ट्राई कर लिया होगा, अपने कमेंट और फीडबैक शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, का सॉल्यूशन देखते हो, देखते हैं इस फाइनली इस लॉजिकल मैट्रिक्स पजल का फाइनल आंसर क्या होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। हे फ्रेंड्स, तो आज का ये पजल है कि मैट्रिक्स पजल हमें सॉल्व करना है। नंबर है 4, 8, 16, 3, 6, 12, 2, 4, 8, 5, 10, 20, 3, 9 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमें फ्रेंड पता करना है। अगर आप पैटर्न पे ध्यान देंगे फ्रेंड, तो अगर आप सेकंड कॉलम को ध्यान देंगे, तो अगर हम करते हैं 8 × 2 16, 6 × 2 12, 4 × 2 8, 10 × 2 20, तो 9 × 2 करेंगे तो होगा 18। लेकिन ये आंसर होगा रॉन्ग। क्यों? यहाँ पे सिर्फ सेकंड कॉलम का नंबर यूज हुआ है, फर्स्ट कॉलम का हमने नंबर को यूज नहीं किया है, इसलिए फ्रेंड इसका आंसर 18 नहीं होगा। तो करना क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ भी यही ट्रिक अप्लाई करना है फ्रेंड। जो मिडिल नंबर है 8, उसे हम फर्स्ट जो कॉलम का नंबर है उससे कर देंगे डिवाइड। 8/4 हो गया आपका 2। नाउ मल्टीप्लाई विथ मिडिल नंबर, तो हमें मिल जाएगा 16। तो इसी ट्रिक्स को फ्रेंड फॉलो करते हैं सेकेंड रो के लिए। करेंगे क्या, हम 6 लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, अगेन वी आर गेटिंग 2, और उसे मल्टीप्लाई करना है हमें मिडिल के नंबर से, 6 नंबर से। 2 × 6 हो गया 12। दिस नंबर थर्ड रो चेक कर लेते हैं फ्रेंड। थर्ड रो क्या करेंगे, मिडिल नंबर को फर्स्ट रो के नंबर से कर देंगे डिवाइड, वी विल गेट 2। नाउ मल्टीप्लाई विथ मिडिल नंबर, 2 × 4 हो गया 8। दिस नंबर, तो देख सकते फ्रेंड ये ट्रिक्स अभी तक तो जस्टिफाई हो रहा है। फोर्थ रो भी चेक कर लेते हैं, तो 10 को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से, जिसका आंसर होगा 2, और मल्टीप्लाई कर देंगे मिडिल नंबर से जो कि है 10, तो 2 × 10 हो गया 20। ये नंबर हमें मिल गया। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड कि इस प्रोसेस में आपने सेकंड कॉलम के नंबर और फर्स्ट कॉलम के नंबर को दोनों को यूज करते हुए हमने थर्ड रो के कॉलम को आंसर को लाया है। तो इसी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे और हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, 9 को डिवाइड कर देंगे हम 3 से, हमें मिलेगा 3, और उसे मल्टीप्लाई करना होगा 9 से, तो जिसका के वैल्यू होगा 27। तो यस फ्रेंड, इस पजल का फाइनल आंसर होगा 27, ना कि 18। तो इस तरह से फ्रेंड इस पजल को सॉल्व करेंगे। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसी तरह के फेमस मजेदार ट्रिकी पजल बट सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट पजल। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।